शुक्रवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर 15,506 लोगों का टीकाकरण कराया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर के 6,317 तथा 45 साल से ऊपर के 9,189 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। कोविड का टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविशील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया जा रहा है। टीका लगवाने आए लोगों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना को मात देने में वैक्सीन काफी लाभदायक नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग लाइन लगाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जिससे भविष्य में सुरक्षित रहें। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील किया है कि अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जिससे जिले को कोरोना मुक्त कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोविड टीकाकरण कराने वाले लोगों और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारा शोभित नाम है, मैं तो रुस्तमपुर गोरखपुर से आया हूँ। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया? हमने 16 तारीख को कराया था, 16 मई को रजिस्ट्रेशन कराया था अपना। आज टीका हुआ? हाँ, आज ही अभी जस्ट मेरा टीकाकरण हुआ है। अभी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमको, बाकी सब कूल लग रहा है एकदम। और मैं भी यही चाहूँगा कि सब लोग जल्दी जल्दी अपना टीकाकरण कराएँ, जिससे कि इस कोविड में हम लोग जल्दी स्वस्थ हो सकें सब लोग। आरजूदीप राप्ती नगर गोरखपुर से, कोविशील्ड लगी है, नॉर्मल फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो सही है। और बाकी लोगों से क्या कहना है? हाँ, बाकी लोगों से क्या कहना है? बाकी लोग से कहेंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ज़रूरी है। रुचि गोरखपुर से। ठीक है जी, कैसा लग रहा है? नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति राय है मेरा नाम। नहीं, मैं बजा से आई हूँ। टीका कराना होगा? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा है, कुछ फील नहीं हो रहा है। आज हमारे 72 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसी में से 34 जगहों पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है, बाकी पर 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और संक्रामक रोग और हमारी सारी PSC, CBCSC और अर्बन PSC पर वैक्सीनेशन होता है। और कल भी हमने 7,000-7,500 तक वैक्सीनेशन किया था, तो आज हम 10,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन करते हैं।